लालू जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं और वो हजारों वर्ष जिए। बिहार में जो भी समाज में जो उत्थान आया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो गरीबों के मसीहा, वो मरने के बाद भी जिंदा होने रहने के बाद भी अमर है। हाँ, बहुत अच्छे आदमी तो है ही है, पूरा चारा घोटाला खा कर आ गया, वो अच्छे आदमी है। लालू यादव के जन्मदिन मुबारक। आज तक ले हमने वृद्धा पेंशन नहीं बनाया। लालू यादव तो भगवान है, ठीक है, और 100 साल जिए। आई लव यू लालू जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज लालू यादव। अगर बिहार की बात हो बाहर में या कहीं भी, तो लालू यादव को ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता है। और आज उनका जन्मदिन है, 74 साल के हो गए हैं, 74 ईयर्स के हो गए हैं लालू यादव। आइए लोग से बात करते हैं कि कैसे विश करेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे उनके बर्थडे पे। जाहिर सी बात है, वो हमारे बिहार के वो नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके लंबी उम्र की कामना करेंगे, हालांकि वो बहुत दिन से अस्वस्थ रहे हैं। तो आज लालू यादव का जन्मदिन है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं और कैसे विश करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं तो लालू यादव को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बिहार प्रदेश को बहुत बड़ा, हमारे जहां तक नहीं ले जाना चाहिए था गरीब को उत्थान में, वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया गरीब को उत्थान के लिए। और भारत सरकार में जब रेल मंत्री बने तो इन्होंने जो मुनाफा भारत सरकार को दिया, शायद आज तक जो भी रेल मंत्री हुए हैं वो आज तक नहीं दिया मुनाफा। और पुनः तेजस्वी को सरकार में आना चाहिए था और उनके लिए आज जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। सोशल इंजीनियरिंग के संस्थापक लालू जी ही हुए और बिहार में जो भी समाज में जो उत्थान आया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार के पिछड़े हुए समाज को ऊंचा करने वाले लालू जी का जन्मदिन को शुभकामनाएं, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी जो नीतियाँ थीं, कुछ बिंदु को छोड़ दें अगर, तो उनकी नीतियाँ जो भी थीं वो बिहार के सामाजिक न्याय के लिए बहुत अच्छी थीं और आगे भी बनी रहेंगी। तो आज जन्मदिन है लालू जी का, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कैसे विश करेंगे। ओ मानिए लालू यादव, वो तो गरीबों का मसीहा है। वो अपने जीवन काल में जो नीचे जो बस रहे थे उन पर ज़्यादा प्रकाश डाले और वंचित गरीब को, जो समाजवादी लोगों के साथ में गरीब जो जंजीर में पड़ा हुआ था, उस जंजीर को छुड़ाने के लिए संकल्प लेकर के 1985 में जनता दल बनाए। इसके बाद उन्होंने गरीबों की सरकार के लिए आह्वान किया, गरीब ने सरकार को बनाया और समानती लोग ने लालू यादव को चलने नहीं दिया, सरकार को सफलता को नहीं मिला दिया। और वह आज जो लालू यादव को दशा और दिशा जो बनाए हुए हैं लोगों, समानती लोग, वो गरीबों के मसीहा, वो मरने के बाद भी जिंदा होने रहने के बाद भी अमर है। वो गरीबों के मसीहा है, वो ताकत है, वो ताकत दिया और आज उन्हीं के दिशा, उन्हीं को सोच गरीबों को पड़ा, आगे गरीब बढ़ा और आज गरीब आगे विकास किया। अपने को समझ करके लालू यादव को मानते हैं देवता। गरीब बहुत खुश है, उनके लिए एकता का प्रतीक बनाए हैं और एकता उनके साथ काम करेंगे। आज लालू यादव का जन्मदिन है, मालूम होगा आपको। हाँ, स्वस्थ रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है और राजनीति में सक्रिय रहें, उनकी सक्रियता बना रहे, अति हमारे राज्य का मार्गदर्शन देते रहें। लालू जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं और वो हजारों वर्ष जिए, उन्हीं पर पूरा राजनीतिज्ञों का धुरी घूम रही है लालू जी के ऊपर। लालू जी नहीं है तो राजनीति अधूरा है। लालू जी का जन्मदिन है, गरीबों का मसीहा रहे हैं, बहुत शुभकामना है इनका जो है। लालू यादव दलित महादलित के लिए बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जब उनका सरकार बनी बिहार में तो अति पिछड़ा महादलित के आगे विकास करने का उनका सुझाव मिला और अब बहुत आगे वो बढ़ाने का काम किए। अभी इतना ही बोलेंगे हम लालू प्रसाद यादव जी को,
कि उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, उनकी भगवान और लंबी उम्र दे। बिहार के एक मसीहा थे जो कि एक राजनीतिक तहत उनको जेल में डालकर बहुत दिन तक हम लोग को बिहार की धरती को भ्रष्टाचार में डाल दिया गया है। जितना जल्दी हो फिर से एक बार हम लोग यही सोचेंगे युवा कि तेजस्वी एक बार फिर से अपने सत्ता में। अभी तो हम लोग कुछ मुद्दा से लेकर तेजस्वी के आवास पर भी गए थे लेकिन हम लोग तेजस्वी सर से मिल नहीं पाए, लेकिन हम लोग खुद उम्मीद कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्दी ठीक हो और हम युवाओं का कुछ जल्दी से जल्दी ध्यान दें, हम लोग मिलना चाहते हैं सर। लालू प्रसाद यादव आपको हैप्पी बर्थडे। लालू जी के जन्मदिन है, मुबारक हो। हम लोग को तो न्योता नहीं दिए और बेचारा 100 साल जिए और हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते। तो आपको न्योता चाहिए था? अरे हम लोग गरीब आदमी है, गरीब के बेटा हैं, वो भी गरीब का बेटा है, हम लोग को और क्या चाहिए। लालू यादव का जन्मदिन है और वो 74 साल के हो गए हैं, किस प्रकार बधाई देना चाहेंगे? इसलिए उनको बधाई देना चाहेंगे कि एक राजनीति का अच्छा प्रखर जानकार हैं और साथ साथ उनकी जो पार्टी है उसको अब तो उनके लड़के चला रहे हैं, परंतु उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है जिसमें बिहार सरकार का उन्होंने योगदान पहले कराया और बढ़िया किया, और इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा और प्रशासन बढ़िया होने का, तो इसके लिए उनको बधाई देना बहुत ज़रूरी है। उनकी जीवन भगवान अभी बनाए रखे ताकि वो और अच्छा कुछ करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, आशीर्वाद दें। ये बधाई देना चाहेंगे कि वो हजारों साल जिए अभी, इतने दिन के बाद वो बेचारे छूट के आए हैं, तबीयत खराब हुआ उनका, बीमारी ठीक हुआ, जिए हजारों साल। उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, और भी वो जितना किए उनके लिए बहुत कम है पिछड़े वर्ग के लिए, और थोड़ा बहुत रहेंगे तो वे बिहार के लिए गरिमा की बात है उनकी, गरिमा और कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे लालू यादव के जन्मदिन पर? बहुत बहुत बधाई उनके लिए। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, एक तो उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं, दूसरे में वो गरीब लोग को खूब मदद करते हैं, कोरोना काल में भी बहुत मदद के वो हो गए, पप्पू यादव भी हो गए। बस मेरा यही शुभकामना है कि लालू यादव की मेरे तरफ से शुभकामनाएं और कुछ नहीं भाई। लालू यादव तो भगवान हैं, ठीक है, और 100 साल जिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ बहुत अच्छे आदमी तो है ही, पूरा चारा घोटाला खा कर आ गया, वो अच्छे आदमी है। जन्मदिन पे कुछ नहीं बोलिएगा? जन्मदिन क्या बोले, इस सब आदमी को कितना दिन रहना चाहिए आप खुद समझ रहे हैं, और बधाई आप जिंदा है तो बधाई देना ही पड़ेगा ना। अरे अच्छा आदमी रहेगा उसको अच्छा बोल सकते हैं जी, क्या भाई देश के लिए राज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने समय में तो नौजवान के लिए कुछ किए नहीं, जो बहाली होते गया आधा कैंसिल होते चला गया, कैंसिल होते गया, आज तक कुछ हो ही नहीं किया, तो क्या बोले। जन्मदिन पर बधाई हो और जहाँ तक उनका सहयोग पार्टी को, इतना प्यार करते हैं लालू जी से? बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। किससे? लालू जी से। लालू यादव का जन्मदिन है, 74 साल के हो गए, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले मैं उनको जन्मदिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बिहार का गर्व है कि हम लोग को ऊंचा उठाने का काम किए थे, आज भले ही जेल से बाहर निकल गए हैं, बहुत ही उनको तबीयत खराब हो गया था, बहुत ही हम लोग के लिए दुख की बात है, जैसा कि उनका जांच के दौरान उनको इलाज अभी हो रहा अच्छी तरह से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे लालू टीम के परिवार को कि आप लोग स्वस्थ रहें और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लालू यादव के जन्मदिन मुबारक बोल दिए ना, और दोहरा दें, लालू यादव के जन्मदिन मुबारक, आज तक ले हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बनाया। हैप्पी बर्थडे लालू जी, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तो आपने देख ही लिया लोग कितना ज़्यादा खुश हैं कि वो 74 साल के हो गए आज, और सबने बोला हैप्पी बर्थडे लालू जी, बहुत सम्मान के साथ सबने बोला कि बहुत सालों जिए लालू जी, और बहुत तारीफ़ किए कि गरीबों के मसीहा हैं, और क्या कुछ बोले वो तो आपने सुन ही लिया उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद। लालू जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएँ हैं और वो हजारों वर्ष जिए। बिहार में जो भी समाज में जो उत्थान आया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो गरीबों के मसीहा,
वो मरने के बाद भी जिंदा होने रहने के बाद भी अमर है। हाँ, बहुत अच्छे आदमी तो है ही, पूरा चारा घोटाला खा कर आ गया, वो अच्छा आदमी है। लालू यादव के जन्मदिन मुबारक, आज तक ले हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बनाया। लालू यादव तो भगवान है, ठीक है, और 100 साल जिए। आई लव यू लालू जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।